मेरे सारे काम गुरुजी आपने ही करने हैं, मैं तंग आ गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है गुरुजी, कब आप मेरे घर में आओगे? जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम है ऋतु और गुरुजी की कृपा से आज मुझे सत्संग करने का मौका मिला है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कि मेरे साथ गुरुजी ने क्या क्या करा और क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ, गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मैं कैसी थी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मैं क्या हूँ। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं आपको आज सब कुछ बताने वाली हूँ। तो कृपया करके संगत जी, आप इस सत्संग को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना एक बारी, क्योंकि हो सकता है आपको ये सत्संग सुन के गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, मेरी शादी हो गई थी 2005 में और मेरे जो अंकल है ना, उनके चार भाई थे। संगत जी, हमारी जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में होने की वजह से हमारे घर में बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। मेरे अंकल सबसे छोटे भाई हैं अपने चार भाइयों में से। संगत जी, जो मेरे अंकल के जो चार भाई हैं ना, उन्होंने मेरे अंकल को हर बिजनेस से निकाला हुआ था, प्रॉपर्टी से निकाला हुआ था। अपना घर, अपनी दुकान होने के बाद भी हमें किराए के घर पर रहना पड़ता था। मेरे अंकल अपनी दुकान, अपना बिजनेस होते हुए भी वो एक छोटी सी जॉब करते थे। संगत जी, मैं बड़ी परेशान रहती थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी अपने बारे में बताया हुआ था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और अगर मैं अपने घर में जाती थी तो वहाँ मेरी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। जो मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो सब मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। संगत जी, मेरी देवरानी, जेठानी सब मेरे साथ लड़ाई करती थी। मेरे बच्चों को भी, मतलब वो ऐसे ही बोलते रहते थे और कुछ भी हमें वो नहीं करने देते थे। मेरे अंकल ने बहुत ट्राई करा कि उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिल जाए ताकि वो एक अलग अपना घर बना लें, अपनी दुकान बना लें और अपना फ्यूचर बना लें, पर मेरे अंकल के जो भाई हैं वो उनको एक रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं थे। संगत जी, हम बहुत तंग आ गए थे। मेरे अंकल एक छोटी सी जॉब करते हैं, उसमें से उनका गुजारा नहीं चल पा रहा था। 10-15 हज़ार से संगत जी आजकल कहाँ गुजारा चलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में गुरुजी का कैसे आना हुआ, गुरुजी कैसे आए मेरे जीवन के अंदर और मेरा सारा जीवन ही बदल गया। संगत जी, हमें बड़े मंदिर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ये तो एक मेरे अंकल को एक उनके फ्रेंड ने बताया था गुरुजी के बारे में। उनकी शॉप के ऊपर जहाँ पे वो जॉब करते थे वो आते थे और उनको बताया गुरुजी के बारे में। तो मेरे अंकल ने कहा मैं अपनी आंटी को लेकर ज़रूर जाऊँगा। संगत जी, एक दिन चलते चलते मेरे अंकल कहते हैं कि चलो आज ना बड़े मंदिर चलते हैं, मंडे का दिन है, मेट्रो से चलेंगे। क्योंकि संगत जी, हमारे पास कोई गाड़ी, कोई बाइक, स्कूटर ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम मेट्रो से गए संगत जी, बहुत अच्छा लगा कि चलो घर से तो बाहर निकले ना, वरना संगत जी घर में रह रहे के ना हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, दुखी हो गया था। क्योंकि रोज़ एक ही बातें, रोज़ ही लड़ाई झगड़ा, संगत जी देख देख कर ना मन भी तंग आ जाता है। तो हम जब मेट्रो से गए तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैसे जाना होता है गुरुजी के बड़े मंदिर में छतरपुर में, कैसे मतलब आगे जाएं। संगत जी, हम मेट्रो स्टेशन पे आधा घंटा खड़े रहे कि चलो हो सकता है यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा तो हम आगे चले जाएंगे। संगत जी, आधा घंटा खड़े होने के बाद धूप में एक ऑटो वाले भैया आए, वो कहते हैं आपने कहाँ जाना है? हमने कहा गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना है। वो कहते चलो आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने उनसे पूछा भैया आप कितने पैसे लोगे? संगत जी, उन्होंने पैसे बताए और हम उसमें बैठ गए। संगत जी, मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। अब हम रास्ते में अपनी बातें कर रहे थे अपने परिवार में, जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं संगत जी उनके बारे में हमारी बातें चल रही थी और वो ऑटो वाले भैया सब सुन रहे थे। जैसे बड़ा मंदिर आया ना गुरुजी का, वो ऑटो वाले भैया ने कहा लो आ गया बड़ा मंदिर। संगत जी, हम उतरे। उतरने के बाद मैंने
उन ऑटो वाले अंकल को पैसे मतलब दिए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया पैसे। उन्होंने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे, जाओ आप ऐसे जाओ। संगत जी मैंने कहा नहीं अंकल, आप भैया इतनी दूर से हमें लेकर आए हो, इतनी धूप है तो प्लीज़ आप अपने पैसे तो ले ही लो, ऐसे हम नहीं आएंगे। संगत जी मैंने उनको बहुत कहा पर वो जल्दबाजी में ना वो जल्दी जल्दी आगे चले गए, बस जैसे उन्होंने कहीं जाना हो। और जबकि वो पैसे जब हम ऑटो में बैठने वाले थे, संगत जी उन्हें पैसे बता दिए थे हमें, पर अब वो पैसे हमसे नहीं ले रहे थे। जैसे गुरुजी का संगत जी बड़ा मंदिर हमने बाहर से देखा तो बहुत सारी संगत थी, मतलब इतनी गाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी संगत जी, कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि मतलब कि इतना वहाँ पे इतनी संगत थी कि आपको मैं कैसे बताऊँ। हर एक गाड़ी वहाँ पे थी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सारी गाड़ियाँ गुरुजी के बड़े मंदिर में। हमें बड़ा देख के खुशी हुई कि देखो इतनी दूर दूर से संगत आती है तो गुरु महाराज की तो बड़ी कृपा होती होगी। अंदर गए संगत जी, हमारे घर की परेशानी तो थी ही, गुरु जी के चरणों में बैठ के हमने लगाई अरदास। संगत जी अरदास लगाने के बाद जैसे ही हम बाहर आने लगे ना गुरु जी के बड़े मंदिर से, हमें बाहर आते आते ही गुरु जी का स्वरूप मिल गया। एक अंकल साइड पे ही खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये लो आंटी गुरु जी का स्वरूप, आप अपने घर में लग लेना, और ऐसे कह के वो चले गए। मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे कौन नहीं थे, हो सकता है वहाँ पे वो सेवादार हों। संगत जी उसके बाद हमने फिर वैसे ही वहाँ से ऑटो रिक्शा हमें मिला और हम सीधा मेट्रो स्टेशन से अपने घर पे आ गए। घर आने के बाद ना थोड़ा सा एक अच्छा सा लग रहा था कि रोज़ जो हमें टेंशनें चिंताएँ दिमाग के ऊपर प्रेशर था, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, उस वजह से संगत जी दिमाग बड़ा ख़राब रहता था। पर उस दिन जब हम बड़े मंदिर से आए थे ना गुरु जी के, तो एक अलग सी फीलिंग थी, जैसा लग रहा था कि मतलब जैसे हम एक बहुत ही अच्छी जगह पे होके आ रहे हैं, एक अलग सी फीलिंग थी। जबकि हमारा विश्वास गुरु जी के ऊपर अभी इतना ज़्यादा नहीं बना था, हमें पता ही नहीं था गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में। थोड़े दिन बीते संगत जी, मेरे अंकल की हो गई तबीयत खराब। संगत जी उनको ना पेट में प्रॉब्लम थी, उनके स्टमक में प्रॉब्लम थी संगत जी। अभी हमारा कोई बच्चा नहीं था तो हम ना, मैं और मेरे अंकल, मैं उनको डॉक्टर के पास में ले गई क्योंकि मुझे लगा कि पेट में प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई गैस एसिडिटी वगैरह कुछ हो गया होगा तो डॉक्टर साहब उनको ठीक कर देंगे, दवाई देंगे, ठीक हो जाएंगे संगत जी। पर मुझे नहीं पता था कि उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाइयाँ खा लो, 5 दिन के बाद आप मेरे को एक बार दोबारा से चेक करवाने के लिए आना। 5 दिन मेरे अंकल ने दवाइयाँ खाई, उनका और ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पेट इतना ज़्यादा उनका ख़राब हो गया संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। 5 दिन के बाद हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने संगत जी सीधा टेस्ट लिख दिए कि आप जाओ बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास तो मैं तो इनका इलाज अब नहीं कर सकता, अब तो बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज होगा। तो मैं उनको बड़े हॉस्पिटल में ले गई, एम्स के अंदर ले गई क्योंकि हमारे घर के पास है। संगत जी एम्स के अंदर जैसे मैं लेकर गई, वहाँ उनके ना चेकअप हुए सारे, मतलब पेट के सारी बॉडी के चेकअप्स उन्होंने करे संगत जी, टेस्ट हुए सारे, और उसमें क्या आया कि मेरे अंकल की दोनों किडनीज खराब हो गई हैं। दोनों किडनीज, जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली ना कि मेरे अंकल की दोनों किडनीज ख़राब हो गई हैं, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अरे ये कैसे हो सकता है, ना मेरे अंकल ने कभी कोई ड्रिंक करी है ना कुछ करा है, उनको इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। संगत जी मैंने दोबारा से डॉक्टर साहब को कहा कि आप एक बार या फिर से चेक करो, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। जब संगत जी डॉक्टर साहब ने दोबारा टेस्ट किए तो वो कहते इनकी तो बस 1 हफ्ते के बाद इनका डायलिसिस शुरू हो जाएगा और उसके बाद
हो सकता है इनकी किडनीज ट्रांसप्लांट भी करनी पड़े। आप जल्दी से कोई डोनर ढूंढ लो। संगत जी, एक तो पैसे की दिक्कत, एक जो मेरे अंकल है उनके भाई ऐसा कर रहे थे हमारे साथ, और हम एक किराए के घर पे रह रहे थे। जॉब अलग मेरे अंकल की चली गई, और संगत जी उस चक्कर में दवाइयों के चक्कर में दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी थी, इतनी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ, संगत जी काम ना होने की वजह से, क्योंकि मेरे अंकल जॉब पे तो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी किडनी की, संगत जी काम ना होने की वजह से मेरे सारा पैसा ख़त्म हो गया। सारे उनके बैंक अकाउंट जो भी थे, मतलब 10-20 हज़ार 50 हज़ार, वो सारे ख़त्म हो गए। सारा मेरा सोना चला गया संगत जी, गोल्ड ज्वेलरी जो भी थी मेरे पास मैंने सारी बेच दी, क्योंकि मेरे को अपने अंकल को ठीक करना था, चाहे मुझे किसी भी हालत में उनको ठीक करना पड़े। संगत जी, आप सब समझते ही हो कि मतलब क्या हालत हो रही होगी मेरी उस समय। तो सब मुझे कहने लगे, मेरी फ्रेंड्स कहने लगे कि तू गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी ना, तो वहीं पे जाके अरदास कर गुरुजी से कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, मेरे अंकल तो बीमार हो गए हैं, वो तो बिल्कुल दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, गुरुजी आप कुछ करो, आप कल्याण करो उनका, आप सबका कल्याण करते हो गुरुजी, आप उनका भी कल्याण करो। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो मैंने वैसे ही अपने घर में बैठे बैठे गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे अंकल को ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुजी, हम तो आपके दरबार में सिर्फ़ एक बार ही आए थे, और एक बार ही आने के बाद मेरे अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है, गुरुजी प्लीज़ आप उनको ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, इसी चक्कर के अंदर थोड़े दिनों के बाद मेरे अंकल का डायलिसिस हुआ, शुरू हो गया डायलिसिस होना, और कुछ महीने उनका डायलिसिस चला। उसके बाद संगत जी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, ना मेरे को मेरी कोई हेल्प कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंकल घर पे थे, उन्होंने खाना खाया रात का, मैंने सब्जी दाल रोटी बनाई हुई थी उनको मैंने सबसे पहले दी, ताकि उन्होंने दवाइयाँ खानी होती है रात को वो खा सकें। जैसे मैंने उनको खाना दिया, उन्होंने खाना खाया, संगत जी अभी बैठे ही थे आराम से, टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते पता नहीं उनकी आंखें ऐसी बंद हुई कि बस वो आज तक नहीं खुली है। संगत जी, उनकी वहीं पे डेथ हो गई, वहीं पे, क्योंकि उनको टेंशन भी थी दिमाग में कि अब क्या होगा। मेरी जॉब थी 10-15 हज़ार रुपये की, वो भी चली गई, सारा मेरी आंटी का जो सोना था, जो ज्वेलरी थी, वो सारी बिक गई। मेरे भाइयों ने मुझे अलग परेशान किया हुआ, दुखी करा हुआ। संगत जी, मेरे अंकल की उसी टाइम डेथ हो गई, उसी टाइम। फटाफट से मैंने डॉक्टर को घर बुलाया, उन्होंने देखा तो वो कहते हैं इनको हार्ट अटैक आ गया है, अब ये जा चुके हैं, बस कुछ नहीं है। संगत जी, मेरा तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि बस मुझे लग रहा था कि बस अब मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी, बस क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं और जो मुझे सहारा देने वाला हो, जो मेरी परेशानी को समझता हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। संगत जी, ऐसा बुरा हाल किसी का ना हो, गुरु महाराज सबको ब्लेस करे। थोड़े दिनों के बाद संगत जी, अब देखो आप गुरु जी की लीला, गुरु जी की लीला देखो संगत जी, जो मेरे अंकल, जो मेरे हस्बैंड के जो भाई थे ना चार, उन्होंने मेरे अंकल के होते होते तो कुछ भी नहीं दिया हमें, प्रॉपर्टी में से, ना बिजनेस में से, ना शॉप्स में से, कुछ भी उन्होंने हमें एक रुपया भी नहीं दिया। पर जैसे मेरे अंकल की डेथ हुई, उनको पता चला, थोड़े महीनों के बाद ही उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए हिस्सा हमारा जो बनता था, बनता तो कई गुना ज़्यादा था, वो 50 लाख रुपये लेके मेरे घर पर आ गए, ये लो भाभी जी, ये आपके पैसे हैं। मैंने उनसे कहा, अरे भैया, जब मेरे अंकल थे तो आपने उनको एक रुपया भी नहीं दिया, वो बेचारे, आप यही पैसे उनको पहले दे देते अगर तो उनके काम आ जाते,
वो आज जिंदा होते, उनके इलाज में लग जाते पैसे, वो पर आपने नहीं दिए और अब आप लेके आ रहे हो, मैं क्या करूं उन पैसों का? संगत जी, मैंने उनको वो सारे पैसे वापस कर दिए, सब वापस कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ संगत जी, क्योंकि मुझे गुस्सा था मन में, मैंने सब वापस कर दिया। और अब ऐसा टाइम शुरू हो गया था, मैंने गुरुजी के दरबार जाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी ध्यान से सुनना आप ये बात को, संगत जी ध्यान से सुनना और साथ साथ लाइक करते जाओ। जो जो देख रहे हैं ना अभी सत्संग को, प्लीज आप लाइक शेयर करते जाओ आप, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अब ऐसा टाइम शुरू हो गया, अब मैं अकेली घर में, ना मेरे अंकल, बच्चे तो हमारे वैसे भी नहीं थे। संगत जी मेरे को खाना खाने के लिए कभी गुरुद्वारों के अंदर, कभी कहीं मैं देखती थी कि लंगर कहीं से मिल रहा हो, लंगर प्रसाद कहीं भंडारा लगा हो, ऐसी जगहों पे जाके मेरे को अपना पेट भरना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। रेंट पे मैं वैसे रहती थी और रेंट वाले जो, मतलब जो हमारे मकान मालिक थे, उन्होंने वैसे ही मुझे कहा हुआ था कि अगले महीने घर खाली कर दो, क्योंकि आप किराया तो कुछ दे नहीं रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, हमारा घर खाली कर दो। संगत जी हर तरफ से ना मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसी दिमाग में चिंता आ गई थी ना कि बस मन करता था कि मैं भी अपने अंकल के पास ही चली जाऊं, क्योंकि मेरा जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा मेरा। संगत जी उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरे उसी घर पे, रेंट के घर पे, किराए के घर पे सुबह सुबह 10 बजे पोस्टमैन आता है मेरी लेटर लेके। उसने बेल बजाई, मैंने गेट खोला, वो कहता मेरे अंकल का नाम लिया उसने कि अनिल अरोड़ा अंकल के नाम से लेटर है। संगत जी मैंने उसको कहा कि उनकी तो डेथ हो गई है तो लेटर किसकी आई हुई है अभी? संगत जी उसने कहा कि आपके अंकल के नाम से ही है लेटर, अनिल अरोड़ा के नाम से, तो ये आपको ही लेनी पड़ेगी। संगत जी मैंने वो लेटर ली, मुझे लगा कि हो सकता है किसी के पैसे उन्होंने देने हों या लेने हों, तो अब मैं क्या करूँगी। संगत जी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कॉलेज वगैरह गई भी हूँ, तो मुझे थोड़ा पता है, तो मैंने जैसे वो लेटर को जल्दी जल्दी खोला, सुबह के 10 ही बजे थे अभी, जैसे खोला तो उसमें ना एक शेयर की कंपनी थी, मुझे नाम तो ठीक से याद नहीं है, शेयर की कंपनी थी संगत जी, जो शेयर तो होते ना जैसे, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके इतने रुपए के शेयर आपने लिए थे आज से करीब 7 साल पहले अपने नाम से। संगत जी मैं डर गई इतना पढ़ के कि अब क्या होगा, मुझे सारे पैसे वहाँ देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ था कि आपके 16 लाख रुपए के शेयर आज हो गए हैं, तो प्लीज़ आप या तो इनका कुछ करो, या तो इनको बेचो, या आप मतलब जो भी आपका मन करता है आप इनका कुछ करो, ये आपके होल्ड पे रखे हुए हैं हमने, और नॉमिनी थे आंटी। संगत जी जब गुरुजी महाराज जब देते हैं ना, जब गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, कभी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा आपको। अब देख लो आप, मैंने गुरुजी से कुछ मांगा? संगत जी मैंने किसी अपने, जो मेरे ना एक भाई बने हुए थे, मैंने उनको पढ़वाई वो लेटर कि भैया आप जरा पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक से बताओ आप मुझे, मुझे ना ऐसे ठीक से समझ नहीं आ रही है कि पैसे मुझे देने हैं या क्या करने हैं। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी ये आपको 16 लाख रुपए मिलने हैं, आओ चलो मेरे साथ में, यहाँ चलते हैं, आपको चेक मिल जाएगा वहाँ से, आपके अंकल ने शेयर लिए हुए थे करीब 7 साल पहले, तो आज उनकी वैल्यू हो गई है 16 लाख रुपए की, तो आप उनको ले लो, आपके पैसे काम आ जाएंगे। संगत जी गुरु महाराज ने मुझे ऐसे ब्लेस करा, इस तरीके से ब्लेस किया गुरु जी ने मुझे कि आज मुझे किसी का भी मुँह नहीं देखना पड़ता। गुरु महाराज अच्छे से मेरा घर चला रहे हैं और सब चीज़ें अच्छे से होती जा रही हैं, चाहे मैं अकेली हूँ मुझे कोई डर नहीं है,
क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। डिफिट संगत जी, डरने की क्या बात है? जब गुरुजी साक्षात आपके साथ हैं तो फिर आप क्यों डरोगे? डरना तो उनको चाहिए जिनके साथ कोई नहीं है। हम सबके साथ तो गुरुजी हैं जो कि साक्षात शिव जी हैं। तो संगत जी, सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना प्लीज। और आप अगर थोड़ा सा भी चाहते हो ना कि ये सत्संग आगे तक जाए, संगत के पास पहुँचे और संगत को ब्लेसिंग मिले, तो एक बारी सत्संग को लाइक कर देना बस। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर। मैं अपना सत्संग शेयर करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आगे भी ऐसे ही अपने सत्संग रेगुलर बेसिस पे शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का हर पल शुक्राना। गुरुजी अगर आप ना होते तो मैं आज कहीं पे भी ना होती। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।